आज मैं पोहा का एक ऐसा नाश्ता बना रही हूँ जो कि हेल्दी, टेस्टी और एकदम आसान रेसिपी है। इसको आप बैचलर हैं तब भी इसको बहुत आसानी से बना पाएंगे। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। तो यहाँ पर मैंने 3 कप ले रही हूँ पोहा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हम अच्छे से पानी में धो लेंगे। इसको ऐसे रगड़ते हुए धोने के बाद पानी ड्रेन कर देंगे और अच्छा पानी से फिर से धोएंगे हम। तो 2 बार अच्छे से धो लीजिए। अभी सेकंड बार जब आप पानी डालें तो इसको ऐसे रखा रहने दीजिए। अभी इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 केला और केला को अच्छे से काट लेंगे। केला को काटने के बाद इसको मैश कर लेना है। इसको आप कोई भी चम्मच की मदद से या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके अच्छे से पेस्ट जैसा बना लेना है। तो अच्छे से मैश करने के बाद ये हमारा केला रेडी हो जाएगा। तो ऐसे मैश होना चाहिए, एकदम पेस्ट जैसा बना लीजिए। अभी हमारा जो पोहा भिगोया हुआ था इसको हम निचोड़ के केले में डालेंगे। अभी यहाँ पे मैं 1/4 कप गुड़ ले रही हूँ। गुड़ को थोड़ा सा मैंने काट लिया था और ये है उबला हुआ दूध 1 कप। इसमें बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं आप इस नाश्ते में। आप गुड़ के जगह पर चीनी डाल सकते हैं और अगर आप चीनी या गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें शहद या फिर शुगर फ्री डाल के बना सकते हैं। इसमें आप केले के साथ साथ अंगूर या फिर अनार के दाने डाल सकते हैं। ये आपका नाश्ता अभी तैयार हो जाएगा। ऊपर से भी थोड़ा सा किशमिश डाल के इसको सर्व कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।